हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू आर्ट वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलो, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले, आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले लिप्स और अपने दांत जो है उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लिप और दांत को। तो वो भी एक बढ़िया थे, मैं सिर्फ लिप के बारे में ड्रॉ करने वाला था, लेकिन दांत भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। लिप और दांत जब होते हैं हमारे रेफरेंस में, तो सबसे बढ़िया काम होता है दांत का। तो वो ड्रॉ आपको अपने अच्छी तरह से किया तो लिप आपके उभर के दिखेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? लिप उभर के दिखेंगे यानी लिप और भी अच्छी तरह से दिखने लगेंगे जब आपको दांत ड्रॉ करना आएगा। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को हम यही सीखने वाले कि कैसे ड्रॉ कर सकते हैं लिप को और दांत को। तो चलो, ये वीडियो स्पेशली बिगिनर का आर्टिस्ट के लिए है। तो हमेशा की तरह ही ये वीडियो जो है बिगिनर आर्टिस्ट के लिए ही होता है, क्योंकि मैं खुद एक बिगिनर आर्टिस्ट हूँ और मैं सिर्फ बिगिनर आर्टिस्ट को ही बता सकता हूँ। ये वीडियो बिगिनर आर्टिस्ट के लिए बहुत ही स्पेशल और फायदेमंद होगी। तो ये आपको रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा एंड तक देख लेना, बिना स्किप किए हुए। तो चलो, आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और साथ ही साथ इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे ही आपको इस तरह की वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज फॉलो कर लेना, क्योंकि आर्ट के रिलेटेड स्टोरी और आर्ट के रिलेटेड पोस्ट जो है वो मैं इंस्टाग्राम पर हमेशा डालता रहता हूँ। चलो गाइज, आज के इस वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू कर लेते हैं। तो गाइज, जब भी हम लिप और दांत जो ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले दांत जो है वो ड्रॉ करो। सबसे पहले दांत के ऊपर का जो पोर्शन होता है वो ड्रॉ करो, थोड़ा सा डार्क करना, तभी दांत जो है उभर के देखेंगे। और दांत को स्पेशली आप वाइट मत रखो, उसके ऊपर भी हल्की सी शेडिंग करो और हाईलाइट करके उसको वाइट करो, तभी आपका जो अच्छा रियलिस्टिक दिखने की कोशिश करेगा। तो चलो गाइस, लिप को जो है वो दांतों से भी डार्क शेड करना चाहिए, तभी वो लिप भी उभर के दिखेगा। तो जैसे मैं करता हूँ वैसे ही आप करो। तो सबसे पहले दांत, उसके ऊपर बाद में लिप। तो गाइस इस तरह का, और जहाँ डार्क एरिया है वहाँ डार्क ही करो और जहाँ लाइट है वहाँ लाइट करो। इससे क्या होगा कि इसका जो आपका जो स्केच है वो रियल दिखने की कोशिश होगी। गाइस, तो कैसा लगा ये वीडियो? जो कि आपने इस वीडियो को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और कैसे लिप बनाते हैं, कैसे दांत बनाते हैं, ये आपने सीखा ही होगा। तो ये सब कुछ जो है ड्रॉ, वो आप धीरे धीरे सीखोगे। और जिनको भी ऐसा ड्रॉ नहीं करता नहीं बनाता आता हो, तो आप परेशान मत हो, आपको प्रैक्टिस की, जैसे ही प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी आपको ऐसे ही ड्रॉ करना आता रहेगा। और जिनको इससे भी अच्छे ड्रॉ करते हो उनको मैं क्या बोल सकता हूँ, उनसे मैं सीख सकता हूँ सिर्फ। तो कोई बात नहीं, तो चलो इसी तरह का आज का इस वीडियो को आज यही एंड करता हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आए, तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट आर्ट वीडियो में, तब तक डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर, बाय।